जो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास आता है वो क्या है, राइट स्टेप। तो वी हैव ओवर हियर द रिस्पांस ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो हमारे पास सबसे पहले जो पैरामीटर आता है वो क्या आता है, करेस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिस्पांस वी हैव फ्यू पैरामीटर्स ओवर हियर। सो द फर्स्ट पैरामीटर वी हैव इज अ राइज टाइम। ओके, सो द राइज टाइम इज नथिंग बट इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम टू रीच टू अ 0 to 100%। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि स्टडी स्टेट में हम क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट द रिस्पॉन्स टू रीच टू अ 1 value ओवर हियर। ओके, सो 1 इज नथिंग बट अ response which is when it reaches to 100%, okay, of a desired value is nothing but a 1 over here for underdamped system. Okay, so jab bhi hamare paas underdamped system rahega, so this is the definition of rise time. But for a overdamped system, rise time is nothing but a when the system response reaches to a 10 to a 90%. Okay, so when it moves from 10% and it reaches to a 90%, we consider it as a rise time. तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर अंडर डैम सिस्टम है तो उस पर्टिकुलर केस में जो राइज टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, व्हेन द सिस्टम रिस्पॉन्स मूव फ्रॉम 0 to 100%। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम व्हेन इट मूव फ्रॉम 0 to 100%, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अ राइज टाइम ओवर हियर। ठीक है, इसको हम राइज टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वी आर कंसीडरिंग ओवर हियर अंडर डैम सिस्टम। बट अगर ओवर डैम सिस्टम की कंडीशन है, ओवर डैम सिस्टम आता है व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो उस पर्टिकुलर केस में जो राइज टाइम रहेगा, द वैल्यू ऑफ राइज टाइम इज नथिंग बट व्हेन द सिस्टम रिस्पॉन्स मूव्स फ्रॉम 10% टू अ 90% वैल्यू। ओके, तो जब भी हमारे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स किसी पर्टिकुलर लोकेशन में रहेगा तब हम उसको कहेंगे राइज टाइम। ठीक है, तो ये समझ में आता है। तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमको ये समझ में आ रहा है कि सिस्टम रिस्पॉन्स 100% पे अचीव हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ सी टी बिकम्स 1। ओके, ओवर हियर, सो फॉर द टाइम टी इक्वल्स टू टी आर, द वैल्यू ऑफ सी टी बिकम्स इक्वल टू 1 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसके करेस्पॉन्डिंग अगर मैं TR की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो CT का एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड किया था उसमें हमको क्या करना है, इट शुड बी इक्वेटेड टू अ 1। तो CT का एक्सप्रेशन क्या था, बेसिकली 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n t स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर sin ऑफ ओमेगा dt प्लस, सो आई हैव टू इक्वेट इट टू 1। अगर हम इसको 1 से इक्वेट करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, हमको समझ में आता है कि ये 1 एंड 1 वुड गेट कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट ऑफ विद दिस पर्टिकुलर टर्म व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू अ 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये कैसे आएगा, ओमेगा एन टी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा व्हिच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे समझ में आता है कि जीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, ये वाली टर्म तो जो है ये 0 हो नहीं सकती है ना। तो हमारे पास जो साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा है ये वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी, जिसके कारण ही पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। ठीक है, तो all such values of sine where this particular term becomes 0. तो हम जानते हैं sin n pi, okay? For sin n pi we have a 0. तो अगर omega d t plus theta n pi के बराबर हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, मेरे पास sin की सारी values कैसी होगी, 0 रहेगी, जिसके कारण ये पूरा expression क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, राइज टाइम। तो राइज टाइम का अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, राइज टाइम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एन पाई माइनस जी का डिवाइड बाय ओमेगा, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एन पाई कॉस इनवर्स ऑफ जी का ओमेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम।
ये मैंने क्यों लिखा हुआ है समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था cos थीटा इज नथिंग बट थीटा, तो क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ z। तो ये जो वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, राइट साइड की। और अभी हम क्या कर रहे हैं, जीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर लिमिट के करस्पॉन्डिंग एनालिसिस कर रहे हैं। तो जीटा वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। इफ आई सब्स्टिट्यूट